हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नीट सुपर कॉन्सेप्ट पे। मैं डॉक्टर मनीष, मेडिकल स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, आज से पहले हम लोगों ने पीरियडिक प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। आज हम इनर पेयर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं बेटा, ये इनर पेयर इफेक्ट होता क्या है और ये किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर और पीरियडिक प्रॉपर्टी पर किस प्रकार से ये इफेक्ट डालता है और ये किस प्रकार से फाजांस रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए, ये जो इनर पेयर इफेक्ट है, इनर पेयर इफेक्ट ग्रुप 13, 14 और 15 शो करते हैं। 13, 14 और 15 ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो हैं वो जो है क्या करते हैं बेटा, इनर पेयर इफेक्ट शो करते हैं। तो ये बताइए ज़रा, 13, 14 और 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इन ग्रुप को ज़रा बताइए कौन कौन से हैं। मतलब 13 में कौन सा है बताइए ज़रा, बोरान फैमिली, और 14 किसका है, कार्बन फैमिली, और 15 किसका है, नाइट्रोजन फैमिली का है, ठीक है। तो ज़रा इन सभी का जो है हम इन बोरान फैमिली के सारे एलिमेंट्स के नाम याद हैं आपको, याद है? अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा बेटा। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, टीए। और कार्बन फैमिली के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। और नाइट्रोजन फैमिली के कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। ये क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं 13, 14 और 15 ग्रुप के। अभी बात आती है कि इनर पेयर इफेक्ट होता क्या है, आखिर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। इस बात को करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे जाता है, किस ब्लॉक में, इस मतलब ये बेटा पी ब्लॉक तो है ही, पी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा पी में जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है ये देख लेते हैं हम। तो देखिए, जब हम इसका 13 ग्रुप का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये NS2 NP कितने में जाएगा बेटा, 1 में जाएगा। आप करिएगा इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिएगा, इसका जो लास्ट सेल होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो NS2 और NP1 में जाएगा, ठीक है। और ये 14 वाला किस में जाएगा बेटा, ये जाएगा NS2 NP2 में जाएगा, NS2 NP2 में जाएगा। और अगर हम बेटा 15 वाला देखें तो ये कहाँ पर जाएगा, NS2 NP3 में जाएगा, ओके। तो ज़रा हमको ये बताइए कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप क्या समझे, क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप बता सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा या इसकी वैलेंसी क्या होगी। चलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर को भी छोड़ते हैं, हम इसकी वैलेंसी की बात कर लेते हैं। तो बताइए ज़रा, ये 13 ग्रुप का जो एलिमेंट्स है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है और 15 ग्रुप का एलिमेंट है, इनकी वैलेंसी कितनी होगी, ये कौन सी वैलेंसी शो करेंगे, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट सबसेल में गया हुआ है, वही उसकी वैलेंसी होती है। किसी भी ग्रुप की वैलेंसी वही होती है जो कि उसके लास्ट सबसेल में गया हुआ हो, इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉनों की जो नंबर होती है वही इनकी वैलेंसी शो करती है, तो ठीक है। तो इनमें आप बता रहे होंगे, आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो 13 ग्रुप है उसकी वैलेंसी 3 होगी, और इसकी कार्बन फैमिली की वैलेंसी 4 होगी, और नाइट्रोजन फैमिली की वैलेंसी 5 होगी। आप ये अपने दिमाग में रख लेंगे, यही सोचे होंगे और ये आपका जानते भी होंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में है वो उसकी बैलेंसी होती है, ठीक है बेटा। ये बात तो भी बैलेंसी की,
अब इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है, देखिए ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका जैसे जैसे हम एक बात हम पढ़ चुके हैं कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या है, इंक्रीज होती जाती है। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाती है, इनकी इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाते हैं, मतलब उनके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना वो क्या होता जाता है बेटा, आसान होता जाता है। जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ती जाती है, इनके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना आसान होता जाता है। इसका मतलब क्या कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या हुआ, कम हुई या ज़्यादा, क्या हुआ, शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाता है बेटा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, शील्डिंग इफेक्ट घटता जाता है। जब शील्डिंग इफेक्ट घटता जाता है तो इनके इलेक्ट्रॉनों को आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट एस पी डी और एफ को फॉलो करता है, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है शील्डिंग इफेक्ट का। तो उसी तरीके से ये जो देखिए, ये लास्ट की जो सबसेल है, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है, इनके लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब थैलियम, लेड और बिस्मथ, ठीक है बेटा, ये थैलियम प्लस वन प्लस टू और ये प्लस थ्री शो करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने स्टेबिलिटी को कायम नहीं रख पाते, अपनी स्टेबिलिटी फाइंड नहीं कर पाते, और ये हमेशा वेरिएबिलिटी शो करता। ये जो ग्रुप है 13, 14 और 15, ये वेरिएबिलिटी शो करता है किसमें, वैलेंसी में वेरिएबिलिटी शो करता है, किसके कारण, इनर पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक है बेटा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट काम करता जाएगा और उसे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलते चले जाएंगे, और इनका जो थैलियम, लेड और बिस्मथ है वो प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री शो करेगा वैलेंसी। लेकिन अभी हम क्या देखे थे, ये बुरान जो क्या था बेटा, ये प्लस थ्री शो कर रहा था, ये प्लस फोर शो कर रहा था और ये प्लस फाइव शो कर रहा था। लेकिन नीचे जैसे जैसे आए हम, ये प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री शो करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बेटा, इससे क्या हुआ, इससे होगा क्या, देखिए जैसे जैसे हम, इस बात को नोट रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे जो मैं अभी आपको बताने चाह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने में, या तो फिर किसी भी एग्जाम में जब आ जाते हो आप तो वहाँ पे सिलेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से आते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे किस ग्रुप में, 13, 14, 15 ग्रुप में, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी एटॉमिक साइज क्या होगी, एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा, वो इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम ऊपर नीचे आएंगे वो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इनकी तो क्या होगा, ये क्या ये कोवेलेंट बना पाएंगे, जी नहीं। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो वो एलिमेंट्स को वैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, कोवेलेंट करेक्टर वो क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। जब कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज करता जाएगा तो ऊपर से नीचे आने पर हम क्या आ जाए, डबल बॉन्ड बनाने के करेक्टर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाने का करेक्टर मोर होता जाएगा, मोर डबल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड मोर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड बनाएंगे, कौन से, ये थैलियम, लेड और बिस्मथ, इनकी डबल बॉन्ड बनाने की करेक्टर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब डबल बॉन्ड बनाने की करेक्टर इनकी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, तो इससे क्या हो गया, थैलियम, लेड और बिस्मथ जो है ये इनकी टेंडेंसी जो है, इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, लेस होती जाएगी, थैलियम, लेड और बिस्मथ की वैलेंसी बेटा
क्या होती जाएगी, लेस होती जाएगी, लेस होती जाएगी। तो ये क्या शो करेंगे, प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री शो करेंगे ये बैलेंसी में। ठीक है बेटा, इनकी बैलेंसी क्या होती जाएगी, सो लेस होती जाएगी और ये प्लस वन प्लस टू और प्लस थ्री बैलेंसी शो करेंगे। ये आपके क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि ये जो है कि क्यों प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री बैलेंसी शो करता है, और नीट में तो पूछना ही नहीं है। एक एक क्वेश्चंस हर एक साल या इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये है हमारा इनर पेयर इफेक्ट। जरा हम देखते हैं बेटा, ये जो आपका इनर पेयर इफेक्ट है, इसी इनर पेयर इफेक्ट के कारण ही, यही रीजन है कि ये जो 13, 14 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये फाजान रूल्स को फॉलो नहीं करते। फाजान्स रूल जो कि इसके पहले वाले पहले आप लोग जानते भी होंगे और शायद स्कूलों में पढ़ाया भी गया होगा कि किस तरीके से उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करेक्टर हम फाजान्स रूल से फाइंड करते हैं। तो ये जो है, ये तीनों 13, 14 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं फाजान्स रूल्स को भी फॉलो नहीं करते। चलिए हम एक आपको क्वेश्चंस लेते हैं, इस क्वेश्चन का थोड़ा हम समझाने की कोशिश करेंगे, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, इन द फॉलोइंग गिवेन पेयर ऑफ एलिमेंट्स मोर स्टेबल की बात कर लेते हैं। चलिए मोर स्टेबल की हम आपको क्या दे देते हैं यहाँ पे, चलिए हम आपको लेड दे दिया हमने, गैलियम दे दिया, उसके बाद गैलियम, चलिए हम एल्युमिनियम भी ले लिए, गैलियम इंडियम ले लिया। ठीक है बेटा, हम पहले एक ही कर लेते हैं, चलिए हम 13 का लेते हैं, 13 का ले लेते हैं। तो ठीक है, देखिए गैलियम 13 में है, एल्युमिनियम है और इसको कट करते हैं हम, एल्युमिनियम गैलियम चलिए इंडियम को भी ले लेते हैं, और यहाँ से हम ये लेड नहीं, पीबी नहीं बेटा, यहाँ पे टीए ले लेते हैं, थैलियम ले लेते हैं। ठीक है, थैलियम ले लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इनकी टेंडेंसी क्या है, इनकी क्या टेंडेंसी है, किस प्रकार से ये कौन कौन स्टेबिलिटी कौन से किसकी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए स्टेबिलिटी जो है बेटा, स्टेबिलिटी जिस भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। या साइज पे डिपेंड कर लेते हैं, जिसकी साइज कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए ये थैलियम है, थैलियम प्लस वन शो कर रहा है, तो अरेंज कर लेते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल थैलियम होगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा, थैलियम के बाद कौन सा है, यहाँ पर देखिए इंडियम है, तो ये इंडियम आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा है, इंडियम के बाद गैलियम के बाद एल्युमिनियम, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। चलिए जरा सा हम दो एलिमेंट्स को ले लेते हैं, कोई दो एलिमेंट्स, चलिए अगर हम ये तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक ही ग्रुप के ले लिया, एक एक ग्रुप को एलिमेंट्स को लेकर के हमने देखा कि किस प्रकार से वो स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम एक ही एलिमेंट्स को लेकर के देखते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि लेड जो है वो प्लस टू भी शो करता है कभी कभी, और वो लेड प्लस फोर भी शो कर देता है। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन स्टेबल है, तो लेड प्लस टू इज मोर स्टेबल देन लेड प्लस फोर। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्या देखा हमने, किस प्रकार से इनर पेयर इफेक्ट शो करता है और किस प्रकार से इनर पेयर इफेक्ट अपना वर्क करता है वैलेंसी और इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग
शील्डिंग इफेक्ट के थ्रू किस प्रकार से इनर पेयर इफेक्ट इफेक्ट करता है, इफेक्ट डालता है वैलेंसी पे, हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मेमोराइज कर लीजिए, याद रखिएगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन जब आप जब एग्ज़ाम में आते हैं तो सेलेक्टेड स्टूडेंट ही कर पाते हैं इस सारे क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, चलिए, अगर आपको ये हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा वीडियो डालने का, अभी तो बेटा थोड़ा कुछ ही दिनों में मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, अगर मेरा ये तरीका आपको पसंद आ रहा है, ये मेरे दिए हुए कंटेंट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा कि वो भी पढ़ें, कुछ अच्छी चीज़ों को गेन करें। और मैं आपको बताऊं बेटा कि मैं आज शाम को एक शेड्यूल दूंगा, उस शेड्यूल के थ्रू आप पढ़ाई करूँगा पढ़ाऊँगा और शेड्यूल के थ्रू ही पढ़ाई होगी अब, क्योंकि अभी तक तो रैंडम ऐसे ही कोई भी वीडियो मैं बना दे रहा था, लेकिन अब जो है बायोलॉजी को भी लेकर के और केमिस्ट्री को भी लेकर के हम एक शेड्यूल तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि अगर कोई वीडियो जाता है तो आपको पता लग जाए।